डीएसपी को जगाने गए चौकीदार की डीएसपी ने जमकर पिटाई की, जिससे नाराज चौकीदारों ने महुआ थाना पर जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण महुआ थाना परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है कि चौकीदार राजेंद्र पासवान की ड्यूटी डीएसपी नूरुल हक के आवास पर था तथा नूरुल हक ने गणतंत्र दिवस के सुबह जगाने के लिए राजेंद्र पासवान को कहा था। सुबह में जैसे ही राजेंद्र पासवान डीएसपी को जगाने के लिए पहुंचे, इस दौरान डीएसपी गुस्से में आ गए और तबाहतोड़ राजेंद्र पासवान पर थप्पड़ों की बौछार कर दी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। डीएसपी द्वारा चौकीदार की पिटाई का खबर जब थाना पहुंची तो चौकीदार हंगामा करने लगे और जमकर बवाल मचाया। इस दौरान गणतंत्र दिवस समारोह में पहुंचे डीएसपी का चौकीदारों ने घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। बाद में थाना अध्यक्ष कृष्णनंदन झा के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद चौकीदार शांत हुए। साहब के डेरे पर हम रहे थे। अच्छा, जगाने गए थे गणतंत्र दिवस के लेकर के। हाँ, ये है लाठी सात बार पर है। हाँ, तब मारे हैं, गाली भी दिए, गाली दिए। महुए में कार्यरत हैं जी? हाँ, महुए में कार्यरत हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र पासवान। क्या हुआ है? वो है 7 बजे के बाद क्या हुआ? कौन मारा? डीएसपी साहब। काहेला मारे हैं? वो है साला काहे जगा दिया सवेरे सवेरे, गाली भी दिए हैं जी। कहाँ आप ड्यूटी करते हैं? डीएसपी साहब के डेरे पर हम रहे थे। और अच्छा, जगाने गए थे गणतंत्र दिवस के लेकर के। हाँ, ये राष्ट्रीय त्योहार पर है, राष्ट्रीय त्योहार, फिर भी तब आपको मारे, तब मारे हैं, गाली भी दिए हैं, गाली दिए। अच्छा, महुए में न कार्यरत है? हाँ, महुए में। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र पासवान।